रुख करेंगे बंगाल का, जहां पर मुसलमानों को ओबीसी सर्टिफिकेट देने के मामले पर नया घमासान तेज हो गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि साल 2010 के बाद जारी हुए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द माने जाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना पिछड़ा आयोग की मंजूरी का आरक्षण देना असंवैधानिक है। और कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले पर महाभारत छिड़ गई। ममता ने हाईकोर्ट का फैसला न मानने का ऐलान कर दिया। अब बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया। वोट बैंक के लिए ममता ने ओबीसी में मुसलमानों को शामिल किया। आज के कोर्ट के लिए कोरिए छे कोर्टेर सबाई खराब नय, आमी कोर्ट के सम्मान करी, किंतु जे व्यक्ति ए राय दिए छे जे ओबीसी रिजर्वेशन थेके मुस्लिम देर बाद दिते होबे, आमी तादेर राय मानी ना, आमी मानबो ना, ओबीसी रिजर्वेशन चलबे, एर जन्य उच्चतर कोर्टे जेते होले जाबो। ममता बनर्जी आग बबूला है, चेतावनी देने पर उतर आई। इस आसमानी गुस्से की वजह है कलकत्ता हाईकोर्ट का एक फैसला। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में साल 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। 2010 से 2024 के बीच शामिल किए गए 77 समुदाय अब ओबीसी नहीं रहेंगे। हाईकोर्ट ने इन ओबीसी सर्टिफिकेट को असंवैधानिक माना है। हाईकोर्ट का यह भी मानना है कि वोट बैंक के लिए ये सर्टिफिकेट जारी किए गए। अब जरा ये समझिए कि इस फैसले से ममता बनर्जी इतनी क्यों तिलमिलाई हुई है, क्योंकि सत्ता में आते ही ममता बनर्जी ने पहले आदेश में 42 समुदायों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की थी। इन 42 समुदायों में से 41 समुदाय मुस्लिम थे। 2022 में ममता सरकार ने 35 और समुदायों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश की। इनमें से 30 समुदाय मुस्लिम धर्म के थे, यानी 77 समुदायों को ओबीसी में शामिल करने की सिफारिश हुई। इन 77 में से 71 समुदाय मुस्लिम धर्म के हैं। अब जबकि हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी का वो आदेश पलट दिया है, तो बंगाल की चुनावी राजनीति भी पलटी मारती दिख रही है। ममता बनर्जी की बेचैनी बढ़ गई है, तो बीजेपी ने हमला बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए। ये तुष्टिकरण की सनक हर हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। अदालत का फैसला ममता सरकार को हिला देने वाला है, क्योंकि 14 साल में 5 लाख लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट दिए गए। सर्टिफिकेट पाने वाले ज्यादातर मुस्लिम हैं, जो कि टीएमसी के समर्थक हैं। पश्चिम बंगाल में 27% मुस्लिम वोटर हैं। 13 लोकसभा सीट पर मुस्लिम ही हार जीत तय करते हैं। बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 26 सीटों पर मतदान हुआ है। 16 सीटों पर अगले 2 चरणों में होना है। ये सीटें कोलकाता के आसपास की और दक्षिण बंगाल की हैं। इन इलाकों में मुस्लिमों की बड़ी संख्या है, इसलिए ममता बनर्जी को अदालत के आदेश से झटका लग रहा है। डर है कि कहीं उनका गणित ना गड़बड़ा जाए, और इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने की बात कर रही है। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। तो कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आते ही बीजेपी ने ममता सरकार पर हमलों की बौछार कर दी। पीएम के बाद गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करने के लिए ढेर सारी मुस्लिम जातियों को अनधिकृत रीते गैर कानूनी तरीके से ओबीसी सूची में जोड़ा, इसलिए हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, बीजेपी ने नहीं दिया है। ममता बनर्जी अगर एपीसमेंट न करती तो ये न होता। संविधान में साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन यह सब लोग मुस्लिम लीग का एजेंडा, जिस मुस्लिम लीग के एजेंडे के कारण भारत का विभाजन हुआ, उसी को फिर से आगे बढ़ाने का काम ये सारा घमंडिया गठबंधन कर रहा है और तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रहा है। हाई कोर्ट के फैसला आने के बाद तुरंत ही ममता जी ने कहा कि मैं ना मानूंगी। ये क्या संविधान से ऊपर है? ये संविधान को संभालना इनका काम नहीं है, संविधान की रक्षा करना इनका काम नहीं है। ममता जी ने संविधान की रक्षा की शपथ लेकर के वो मुख्यमंत्री बनी है, और संविधान के से ऊपर कोई भी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने संविधान को दिखाते हुए और संविधान को कोट करते हुए ये बताया कि धर्म के आधार पर इस देश में किसी को आरक्षण नहीं मिलता है। उन्होंने ओबीसी